अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान यूसुफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल विद इमरान टीवी। दोस्तों मेरी आज की वीडियो कि आपने ये पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड के जो मैच स्टार्ट होने वाला है इसके लिए आपने ऑनलाइन टिकट किस तरीके से बाय करनी, आज मैं इसका आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले जो लोग न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम या कोई भी। तो आपने ये जो वेबसाइट है आप मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, pcb.tcs.com.pk। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपने बाय टिकट्स के ऊपर क्लिक करना है, जिस डेट की आपको चाहिए, पहले मैच की दूसरे मैच की। तो आपने बाय टिकट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। बाय टिकट्स के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ आपने अपना NIC नंबर डालना है और NIC नंबर डालने के बाद नीचे आपने नंबर ऑफ सीट्स जितनी आपको सीट्स चाहिए। तो मैं NIC नंबर डाल के फिर कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने अपना NIC नंबर डाला उसके बाद नीचे नंबर का जो बार है वो भी शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सीट्स ऑफ नंबर आपको तीन चाहिए, दो चाहिए, जो भी मुझे एक चाहिए तो मैं एक के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है और नीचे लिखा हुआ है सेंड OTP। आपने सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक OTP आएगा, आपने वो OTP जो है कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद नीचे की जो इंटर योर OTP यहाँ आपने ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपने वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। वैलिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो है ये सबसे पहले बता रहा है स्पेक्टर आपका जो नाम है, NIC के ऊपर जो आपका नाम है आपने उसी तरीके से यहाँ पर नाम टाइप कर देना है। नाम के बाद दोस्तों आपने अपना ईमेल आपने डालना है और ईमेल डालने के बाद दोस्तों आपने CNIC नंबर या पासपोर्ट बे फॉर्म नंबर, जो 18 साल से छोटे हैं उनका बे फॉर्म के ऊपर जो NIC नंबर होता है आप वो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाए एजुकेशन आप कुछ भी डालें ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद नीचे फिर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, ये भी आपकी मर्ज़ी करें या ना करें। इसके बाद नीचे आ जाए एज, आपकी एज क्या है वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप डाल दें या ना डालें। उसके साथ मैं लिखा रहा सिटी आपका जो भी है आप वही डाल दें। अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप अपना सिटी कर दें सेलेक्ट। सिटी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ दो किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्फ पिकअप का भी आ रहा है और होम डिलीवरी का भी आ रहा है। सेल्फ पिकअप मतलब ये है कि आपने खुद जाकर ऑफिस से ये पिक करना है या फिर आपको होम डिलीवरी चाहिए। तो आप अगर होम डिलीवरी चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको सेल्फ पिकअप करना है यहाँ आपने अपना एड्रेस भी डाल देना है। अगर मुझे करना है सेल्फ पिकअप तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। सेल्फ पिकअप क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ फॉर्म फिल करने के बाद। तो दोस्तों मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया है। उसके बाद आपने सीट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सीट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब ये आपके पास ग्राउंड की जितने भी इंक्लोजर है वो उसका आपका एक मैप आ गया, एक लोकेशन आ गई। आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उसका रेट आपको शो करेगा। अब ये अज़र महमूद है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके रेट थोड़े से हाई हैं। इसके रेट मुझे शो कर रहा है 750 रुपये। तो अगर मैं ये जो इमरान बुखारी है अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये बता रहा है कि इसकी सीट 500 रुपये है। कम से कम जो फीस है जो मैच की जो टिकट है टिकट की जो फीस है वो 500 रुपये है। अच्छा दोस्तों नीचे अगर आप आ जाएँ तो ये जो येलो कलर का जो सीट पे जो ऑप्शन आ रहा है ये है अवेलेबल, जो सीटें अवेलेबल होंगी उसी के ऊपर ये आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे आप आ जाए तो ये आपके जो दूसरी हैं जो अन अवेलेबल हैं वो किसी ने बाय कर चुका है दोस्तों, वो आपको सीट नहीं मिल सकती। आप देख सकते हैं जैसे फ़र्ज़ करें मैं कोई भी सीट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मुझे ये सीट चाहिए तो इसके ऊपर ये सीट M22 इस सीट का नंबर है। उसके बाद दोस्तों मैं सीट अपनी कर दूंगा सिलेक्ट, एक करनी है दो करनी है जितनी आपने पीछे से लिखी थी कि वो आपको नंबर ऑफ सीट जितनी चाहिए उतनी आपने लिख कर उतनी यहाँ से कर देनी है सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों बाय टिकट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। बाय टिकट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ कुछ आपके पास आ जाएगा इसकी डिटेल के इंक्लूजर कौन सा है, गेट नंबर कौन सा है, मैच 1 है पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड, जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ शो करेगी, आपको रकम शो करेगी कितनी है। और दोस्तों इसकी जो फीस है आप सिर्फ वीज़ा या डेबिट कार्ड से ही पे कर सकते हैं दोस्तों। इजी पैसा जेएसके से इस वक्त अवेलेबल नहीं है। आपने इजी पैसा जेएसके के ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और ये जो आई एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशन के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देना है। चेकआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करें, आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर और जिस तरीके से हम डालते हैं कार्ड नंबर, आपने सिक्योरिटी कोड जो 3 हिस्सों का होता है वो आपने डालना है और कार्ड की एक्सपायरी जो होती है वो आपने डालनी है।
उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से पेमेंट कर देनी है। तो जो भी मेरी डिटेल आ रही है वो यहाँ पे शो हो रही है, तो मैं इसके ऊपर मैं आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे, मैं हूँ कराची से, मुझे सीट बाय नहीं करनी है। तो दोस्तों आपके पास मैसेज आ जाएगा, मैसेज आने के बाद मैसेज भी आ जाएगा आपके पास, और दोस्तों मैसेज में एक लिंक आएगा आपको, वहाँ से आप जो है ना PDF भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों PDF से बेहतर ये रहेगा कि आप अपने जो जो आपने ब्रांच सेलेक्ट की है TCS की, आप वहीं से जाके डायरेक्ट अपनी जो टिकट है वो ले लें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपका सिर्फ एक क्लिक होता है और हमें इससे बहुत सी हौसला अफजाई मिल जाती है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।